देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। करीब 3 घंटे किसानों की मीटिंग हुई विज्ञान भवन के बीच, उस तो बाद किसान जड़े ने काफ़ी डिसअपॉइंट होकर वो जड़े कि बाहर निकले, तो वो क्या कुछ होया सर, क्या कुछ होया आज मीटिंग दे बीच? परसों मीटिंग होगी जी, दोबारा परसों होगी दोबारा 12 बजे, कंटिन्यू बातें चलेंगी। फिर अज दे बीच क्या कुछ निकल गया? अज कुछ नहीं निकला, बात अभी टूटी भी नहीं है, आगे कंटिन्यू बात चलेगी। बिल्कुल, आज सरकार सीखी कुछ मनने दी कि मनने की कोशिश? अभी तो चर्चा हुई और परसों की मीटिंग दोबारा 12 बजे की उन्होंने बुलाई है, फिर चर्चा होगी और चर्चा से ही निकलेगा जो भी निकलेगा। आप लोग आएंगे दोबारा? हाँ दोबारा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बात करेंगे। आज चर्चा हुई है, सरकार एक प्रपोजल लेके आई है कि जेडे तिने कानून है उन्होंने असं चर्चा करनी चाहते हाँ, असं इस गल से सहमति देती है कि असं चर्चा करने तैयार हाँ। तो कल असी अपनी मीटिंग करके, मीटिंग दे 3 तरीक तो चर्चा शुरू होगी, केड़े इशू ते केड़े दिन, 3 तरीक नूं केड़ा इशू होगा, 4 नूं केड़ा दिन होगा, असी पूरी तरह तैयार हैं। सरकार नूं दसता कि चर्चा करो, अगर चर्चा दे विच जो साडा पक्ष भारू होया तो कानून बदलना पड़ेगा। ये कहते भी लगातार चर्चा चलेगी ते नाल अंदोलन भी जारी रहेगा। चर्चा शुरू हो जानी है, आज 1 तरीक है ना, 3 तरीक तो चर्चा शुरू होगी, रोज बैठक होया करेगी, 3 तरीक रोजाना होया करेगी, रोज होया करेगी। कमेटी नहीं, असी सारे आवांगे, सारे दे सारे आवांगे, ते उहदे विच बुलारे असी बदल लिया करांगे। हाँ केड़ा बुलारा होगा, 2 या 3 रोज स्पीकर चुनेंगे, वो चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, बाकी बैठ के सुनेंगे, और उन्हां दी जिहड़ी वड्डी अफसरशाही है वो होगी, तो खेती मंत्री भी बिच बैठा करेगा, चर्चा चलती रहेगी, अंदोलन भी चलता रहेगा, चलता रहेगा। बॉर्डर ते रहना, दिल्ली ते आना, बाकी जिथे बैठे हैं अंदोलन उत्थे चलता रहेगा। हाँ मतलब एक शुरुआत कह सकते कि शुरुआत हो? हाँ शुरुआत होगी, 3 तरीक तो शुरुआत, शुरुआत जी आज की बैठक च हो गई है, जिथे बैठे ने उत्थे बैठे रहेंगे। कमेटी जी है वो बनाई गई है, वो कमेटी जी कि देखेगी लगातार रोज जिहड़ियां बैठकां होणगियां, ते फिर क्या कुछ निकल के आएगा वो कमेटी देखेगी। और भी कई किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने आईयां हुई ने, किसान जिहड़े लगातार वो गल कर रहे ने, क्योंकि अज काफ़ी अहम जिहड़ा जी ये जिहड़ा जी दिन जिहड़ा जी है वो मन्या जा रहा सीगा। सर तुसीं दसो मैनूं डिटेल ना कि होया की है, लोकी जानना चाहते अज बैठक दे विच। उन्होंने अपनी गलबात शुरू की, तो उन्होंने अपनी कमेटी की रेफरेंस दी भी तुसीं भी इन्ने बंदे बैठे हैं, 35 बंदे, पर कोई 5 या 6 मैंबरी कमेटी दिओ, वो बैठ के गल कर लूगी, बाहर गलबात करके अगर गलबात चालू रहेगी। असीं क्या नहीं भी असीं 35 से 35 इदां ही बैठांगे, तो गलबात सामने होगी, साढ़े 3 स्पोक्सपर्सन रखे हुए आ, उस स्पोक्सपर्सन रखी जाण, तो एक जिहड़ा लॉ ने जिहड़े किसान विरोधी ने असीं डिटेल दसता भी बिल्कुल किसान विरोधी ने, एक किसान नूं जाके बोलो जे तुहानूं ऐ लगता भी लॉ बिल्कुल ठीक ने, जाके साढ़े उत्थे किसानां दे विच बोल के आ जाण, तां भी किसान विरोधी नहीं हैगे तो तुहानूं आप ही पता लग जूगा। कमेटी बनाउण दी गल होई है, रोज़ बैठकां होणगियां, जिहड़ी गल हुई सी असीं ना करती सी भी सारे सारे बैठांगे, 35 दे 35 जणे बैठांगे, ते उहदे विच हुण कल नूं असीं इक लिखती रूप दे विच इन्हां नूं पॉइंट टू पॉइंट लिख के लॉ दे उत्ते, क्योंकि डिस्कशन हो कहिंदे 1-1 पॉइंट ते होऊगी हुण, ते परसों तो 1-1 पॉइंट ते डिस्कशन हुंदी रहेगी, ते लगातार मीटिंगां चलदियां रहणगियां। जदों तक मीटिंगां चलणगियां उदों तक अंदोलन जारी रहेगा, अंदोलन जारी रहेगा, इहो क्लीयर कट करे आए आ भी जद तक इह मीटिंगां चलदियां, जद तक कोई फैसला नहीं हुंदा, जद तक लॉ वापस नहीं हुंदे जां कोई इलाज नहीं निकलदा, जद तक अंदोलन रहेगा। अच्छा मीटिंग जदों तक जारी रहेगी, अंदोलन जारी रहेगा, मीटिंग इधर ही होगी, कितने होगी, कि नहीं मीटिंग वेखो उधर ही तो असी तो गैसट हाँ, साड़ी होस्ट केंद्र सरकार आ, ये केंद्र सरकार ने निश्चित करना कितने मीटिंग होगी, उन्हें कहा परसों दोबारा मीटिंग होगी, कल सेंटर कमेंट असी देने, वो छोटी कमेटी या कमिश्न बनाने के झाले में पेंदे सन, असं उस पे नहीं, अं टोटली रिजैक्ट की, कोई कमेटी कमुटी नहीं बननी, साढ़े ना गलबात कर लो जिन्हें दिन मर्जी कर लो, असं इतने गलबात कर जिते सद्या करोगे उत्थे आया करा, साडा संघर्ष जरा सिर्फ इवें नहीं जल इवें ही जारू नहीं रहेगा, ये दिन दुगना रात चौगुनी होर आवे, 35 दे 35 सारे ही मीटिंग जाएंगे जी भी पॉइंट टू पॉइंट। हाँ नहीं वो वेखो असं बड़ा डिसिप्लिन बंदे हाँ, बेशक ही किसान हाँ,
ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਆਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਸਰ, ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬਾਤਚੀਤ ਮੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਅਭੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਕੀ ਮੂਡ ਮੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋ ਹੋਰ ਬਿਲਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸੀ ਕੇ ਸੰਦਰਭ ਮੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਕੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏਗੇ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ, ਹਮ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਲੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਹਮਨੇ ਐਕਟ ਕੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਆ ਹੈ ਉਸਮੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਪੱਖ ਮੇ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਸਭੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇ ਪੱਖ ਮੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਮੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਪੱਖ ਮੇ ਜਾਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਐਸੀ ਹੋਤੀ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਮੇ ਹੋਤੀ ਤਾਂ ਹਮ ਉਸਮੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੋ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸਮੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇ ਹੱਕ ਮੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਮੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ? ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਧ ਪਚਾਦ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਕਲਾਸ ਬਾਈ ਕਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਟੋਟਲ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 12 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਪੀਲ ਹੋਣਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਕਲਿੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ 19 ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ? ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰੋ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਸ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ? ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਰੂਰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੈ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਕੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
कि हुण जिहड़ी डेली मीटिंग जिहड़ी है वो की जाएगी, मीटिंग जिहड़ी है होएगी, क्योंकि ये विज्ञान भवन के विच चर्चा अज काफ़ी देर जिहड़ी जी है हुई है। तो चर्चा तो बाद यही निकल के आए, सिर्फ पंजाब के ही नहीं हरियाणा के किसान भी मौजूद से, MP के किसान भी ये मौजूद सन, उन्होंने भी गलबात करेंगे। जो MP के किसान वो की कुछ सोचते हैं, उन्होंने गलबात करते हैं। सर आप बताइए, अब लगता है डेडलॉक टूटेगा, कुछ बातचीत शुरू हो रही है? बातचीत का लगता है शुरू होगी, कुछ सरकार मान रही है? हाँ, बातचीत शुरू हुई है सरकार से, परसों फिर बातचीत होगी, और जो 3 अध्यादेश है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट अब चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार? हाँ, पॉइंट टू पॉइंट सरकार अब चर्चा करने को तैयार है। तीनों ऑर्डिनेंस में हमको किस बिंदु पर आपत्ति है, उन बिंदुओं की हम कल होमवर्क करेंगे। परसों के दिन मंत्री जी और सरकार हमारे साथ बैठ के बात करेगी और उनका निष्कर्ष निकालेंगे। अगर सर आप पॉइंट आपके ठीक हुए तो सरकार ने आश्वासन दिया कि हम अमेंड करेंगे या वो चीज़ें करेंगे? देखिए, अगर हमारा मत ठीक होगा तो सरकार को मानना पड़ेगा। चर्चा का विषय क्या है, चर्चा सरकार क्यों करना चाहती है? चर्चा इसलिए कर रही, हमको आपत्ति है इसलिए। सरकार मानी है कि ये कहीं ना कहीं गलत है बिल, 50% या कुछ परसेंट है, सरकार ने कहीं ना कहीं माना है कि गलती हो सकती है? नहीं, सरकार ने ये भी कहा है कि हो सकता है कानून बनाने में त्रुटियाँ हो जाती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर चर्चा के बाद मालूम पड़ेगा। थैंक यू। मालूम पड़ेगा। सारे असी पंजाब के किसानों की भी सुनी, हरियाणा के किसानों की भी सुनी, तो बाकी जिहड़े किसान ने उन्हां दी भी गलबात सुनी। पंजाब के कुछ होर किसान मेरे नाल ने, उन्हां नाल भी गल करांगे क्या कुछ के निकल के आएगा। लगता सरकार ते प्रेशर पे, आज सरकार दे हाव भाव तुसीं देखे होणे अंदर, लगता प्रेशर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मंत्रियों का जिहड़ा ऑफेंसिवनैस पहला सी, बिल्कुल नहीं। दे आर ऑन द डिफेंस। डिफेंस तो मतलब मेरा यह है कि वह लगातार कह रहे थे कुछ ऐसा सोचते हैं, साडियां सरकार दीआं भी मजबूरियां ने, असी अपने आकाज नाल भी गल करनी है। सो इहदे विच्चों जिहड़ी एक गल तुहाडे राही मैं असल कहना चाहुंदा कि अज दी मीटिंग बहुत वधिया माहौल च होई है, नंबर एक। नंबर दो, इहदी लगातारता है, परसों नूं फिर मीटिंग होगी दुपहरे 12 बजे। तीसरी गल ये है कि इस मीटिंग नूं ठोस असीं किवें सिट्टे वल जा सकीए, ये असीं अपनी हुण जाके गलबात करनी है। उहदे चों ठोस रणनीति घड़ के असीं परसों दी मीटिंग चाहुंदा, ते परसों दी मीटिंग दे विच असीं कुछ ना कुछ जिहड़ा इहनूं अगे एडवांस करांगे। और यह मैं गल दसना चाहुंदा कि साडा अंदोलन जिहड़ा 2-3 नैशनल हाईवे ते है, ये 3 दी बजाय अगे वधूगा, होर नैशनल हाईवेज़ ते जाऊगा, ते होर नैशनल हाईवेज़ दे उत्ते जाके जिहड़े नैशनल हाईवेज़ दे उपर है उन्होंने उपर होर वड्डियां गैदरिंग्स होणगियां, होर हजार लखां लोग आउणगे। ते अज भी फिरोजपुर जिहड़ा इत्थों 450 किलोमीटर है, उत्थों काफला ट्रालियां दा निकलिया, हर शहर चों निकल, हर जिले चों निकल रहा। मेवात दे विच किसान लीडर ने अरैसट किए गए ने, क्योंकि उत्थों वड्डी गिणती च लोगों ने आना सी। सिमिलरली UP, हरियाणे दे विच खाप पंचायतां ने मते पाए ने। हरियाणे दे विच तुसीं देखिया होगा कि चौटालियां दे उत्ते एक काफ़ी संकट, खट्टर दी सरकार दे उपर बदल ने संकट दे मंडरा रहे ने, बहुत ज़्यादा प्रेशर पै रहा। टू पॉइंट चर्चा करोगे तुसी, एक एक पॉइंट ते या इकट्ठी चर्चा होएगी जिहड़ी परसों तो शुरू होएगी? परसों तो देखो ये असी उन्होंने डिमांड की है पॉइंट टू पॉइंट करिए, असी अपनी नीति ये बारे गल करांगे, किते असी एवें पॉइंट टू पॉइंट के बहाने किसी ट्रैप च ना फस जाइए। ये साडी मतलब तो पूरी साडी रहूगी कि इहनू असी किस टैक्टिस दे नाल डिस्कशन भी करिए, पर ट्रैप च भी ना फसीए। तुहाडी एक मंग सी कि अमित शाह वगैरह होण तां ही असी मीटिंग जाणा, अज वी असी असी नहीं मंग कीती अमित शाह, तुसीं कहता इहदे नाल मैं गल दसनी चाहुंदा आपको कि अज साडे नाल योगिंदर यादव ने बातचीत के लिए आना था। योगिंदर यादव को बकायदा हमने संयुक्त किसान मोर्चे का एक मेंबर के रूप में उसको बुलाने के लिए कहा था। 4 मेंबरों में एक बात के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट अड़ गई और खुद अमित शाह जी ने इंटरेस्ट मतलब के बात करके ये कहा कि वो पॉलिटिक्स करता है, वो बातचीत में नहीं आना चाहिए, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। कि योगिंदर यादव दूसरे लीडरों की तरह जितनी पॉलिटिक्स दूसरे लोग करते हैं उससे, लेकिन वो जय किसान आंदोलन के लीडर हैं, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के वर्किंग ग्रुप मेंबर हैं, और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा वो राइट भी लिखते भी हैं, फार्मिंग उसके ऊपर लिखते हैं। ये जो अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने आज किया है, ये एकदम गलत बात है। आने वाले समय में
जैसे आज पंजाब के किसानों के साथ साथ मध्य प्रदेश के कक्का जी, गुरनाम सिंह जी, हरियाणा वाले और वेस्ट बंगाल से हमारे हनन मौला जी आए हैं, तो ये जो संघर्ष है पंजाब से निकल के ऑल इंडिया रूप अख्तियार कर रहा है, हरियाणा में कामयाब हो रहा है, राजस्थान से लोग निकल रहे हैं, यूपी से बहुत निकल रहे हैं, तो ये जो नेशनल लेवल का इसका रूप बन रहा है, बल्कि इसका रूप समझते ना, तो ये इसका जो वो आगे बढ़ेगा। और अमित शाह जी का जो आज कंडीशन हमको मानना, हमने योगिंदर जी से बात की, योगिंदर बोले उन्हें बहुत ब्रॉड में कि मेरी कोई ईगो एम्बिशन नहीं है, आप किसान संघर्ष की एकता के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए आप जाइए, हम आपके साथ हैं। और उन्होंने एक फिराक दिली जो दिखाई, मैं उनको सलाम करता हूं, और अमित शाह जी ने जो ये रुख अख्तियार किया इसकी निंदा करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जेडी जी मीटिंग है आज ख़त्म हुई है, हुण लगातार मीटिंगा होणगियां, 13 तरीक नूं भी होएगी, तो सरकार नूं किसान दसणगे कि इस बिल दे विच क्या कुछ गलत है क्या कुछ नहीं, और सारा सरकार नूं दस्या जाएगा। दिल्ली तो कह रहा हूँ लक्ष्मण नितिन दिवान, दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज, 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374 94647, 84374 94648।